attendees. Have we any risk in this discussion for those arteriovenous aneurysms is used to denote any abnormal communication established between the arterial and venous channels and includes therefore all direct and indirect communication variously is spoken of as arteriovenous varicose aneurysm, aneurysm by anastomosis, pulsating. Aneurysm यहाँ पर हमारी body communicate जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमें एक मिनट हाँ देखा हमने दूसरे सिस्टम पे AV aneurysm. In this discussion, the terms arteriovenous aneurysm is used to denote any abnormal communication established between the arterial and venous channels and includes, therefore, all direct and indirect communication. Variously spoken of arteriovenous varices. Varicose aneurysm, aneurysm by anastomosis, pulsating. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ एक शो हो रहा है इस arteriovenous aneurysm के अंदर जैसे कि हम सभी अपने लेक्चर में कहते हैं हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है हमारे ऑर्गन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें और सिग्नल ट्रांसफर ना करें तो वर्किंग कंडीशन में बैरियर डेवलप हो जाएंगे और ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब जो हमारे सिस्टम है एक दूसरे से होल बॉडी होल सेल्स कम्युनिकेट करते हैं इस कम्युनिकेशंस एबनॉर्मलिटीज की वजह से हमारे सेल्स के अंदर जो है कलेक्शंस ऑफ फ्लूड्स या तो होता है या तो डिपोजिशन या तो ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है और अगर सारे सिस्टम अपने चैनल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते रहें तो हमारा सेल भी प्रॉपर सही मूवमेंट करता है सही तरीके से डेवलप होता है अगर कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम अगर बॉडी से रिमूव हो जाता है तो सेल्स एबनॉर्मल ग्रो होने लगते हैं और खुद म्यूटेशन करके मल्टीपल सेल्स डेवलप करते हैं जो कि कैंसर होता है यहाँ पर हम एन्यूरिज्म के वजह से के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर आर्टरी और वेन्स दोनों कम्युनिकेट करते हैं एक आर्टीरियल जो कम्युनिकेशन है आर्टेरियल जो फंक्शंस है वो यहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई का काम है और वाटर सप्लाई और कोई रास्ता एस्टेब्लिशमेंट तो होता नहीं है कि हम वाटर सेल्स तक पहुँचा सकें तो सारे एसेंशियल फ्लूड जो भी हार्मोन्स हैं या ऑक्सीजन्स हैं या केमिकल्स हैं और एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं आर्टरी के थ्रू जाते हैं आर्टरी के थ्रू जाते हैं आर्टरी से कैपिलरीज में कैपिलरीज से वेन्स कैपिलरीज के बाद क्या आता है हमने कई बार बताया कैपिलरीज के बाद जो है वेज डेवलप करती है
और जहाँ पे कैपिलरी सेल्स के अंदर चीज़ों को देता है वहीं पे वेन्स का जो है और जो सिस्टम होता है उसे मेटाबलाइज होने के बाद उसे ड्रेन कर देता है। थोड़ा जहन इस वक्त स्लिप कर रहा है क्योंकि आर्टरी एक कैपिलरीज कैपिलरीज के बाद वेसल्स आते हैं वेसल्स सॉरी वेसल्स 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 आर्टरी और वेन्स के बीच मेडिटेट का काम करती हैं। वेन्स और आर्टरी को जोड़ने वाला वेन्स और आर्टरी को जोड़ने वाले जो सेक्शन है वो वेसल्स कहलाता है और ये वेसल्स सेल टू वेनस सिस्टम और आर्टरी टू सेल सिस्टम इसके बीच में ट्रेवल्स होती रहती है। तो यहाँ पर ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एर वेरियस स्पोकन एज आर्टीरियो वेनस वैरिक्स वैरिकोस एन्यूरिज्म एन्यूरिज्म बाय एनास्ट्रोमोसिस पल्सेटिंग। यहाँ पर वेनस चैनल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है जिसके वजह से वहाँ पर कलेक्शंस ऑफ फ्लूड्स डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ से फ्लूड की सप्लाई हो रही है दूसरी तरफ से फ्लूड ड्रेन नहीं हो रहा है तो आर्टरी के अंदर ये डेवलप होता जा रहा है। आप देखते होंगे लोगों की आर्टरी फुली भी दिखती है अगर वेंस में हो तो वेंस फुली भी इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन ब्रेन की तरफ जा रहा है हेल्दी कैपिलरीज स्लो डिलीवरी ऑक्सीजन टू सराउंडिंग टिश्यूज टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और एसेंशियल केमिकल्स एंड हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है हेल्दी कैपिलरीज स्लोली एक स्पीड डेवलप होती है और अगर स्पीड से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पहुँचने लगी जैसे कई बार देखा गया है रिवर के अंदर जो फ्लड आता है कहीं से बहुत ज़्यादा एक साथ वाटर का फ्लो आ जाए स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन जितनी बारीक थिंस टाइप की चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे वेसल्स वगैरह कैपिलरीज वो रैप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे कैपिलरीज स्लो डिलीवर ऑक्सीजन तो सराउंडिंग टिश्यू टिश्यू के सब चारों तरफ ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है अब ये वेन है वेन कैरिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड वे फ्रॉम ब्रेन ये ब्रेन का सेक्शन याद दिया गया ब्रेन का ही मुझे मिल पाया जल्दी में प्रोग्राम तैयार करने के लिए हार्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये अच्छा ज़्यादातर अगर ब्रेन के अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई तो कन्वल्जंस और भूलने की बीमारी और ब्लर विजन और हेयरिंग प्रॉब्लम्स ये सारी चीज़ शुरू हो सकती है आगे आएगा सब चीज़। वेन कैरिंग ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड अवे फ्रॉम ब्रेन अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो चुका है उससे आउट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और ये वेन्स की तरफ वेन में जा रही है। तो ये क्या है यहाँ पे कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड की शेप में आ जा रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे आ रही है उसी चीज़ को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है ऑक्सीजन जो है वेन्स के अंदर कैरिंग हो रही है ब्लड फ्रॉम ब्रेन से। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट है यहाँ ट्रीटमेंट हमने दे दिया है और क्योंकि शुरू में ही यहाँ पे A1 A1 क्या है देख रहे हैं यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो रही है आर्टरी ब्लॉक हो रही है क्यों ब्लॉक हो रही है क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज ब्लॉक
इन एन ए वी एम ब्लड पासिस क्विकली फ्रॉम आर्टरी टू वेन बाईपासिंग इन द नॉर्मल कैपिलरी नेटवर्क. कैपिलरी से एक नॉर्मल नेटवर्क में काम कर सकता है. पल्स बहुत तेज हो रहा है, ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कैपिलरी एवी तो आर्टीरियल वेंटिकल्स के लिए यूज किया गया है. यहाँ पे कैपिलरीज एनरिज्म डेवलप हो रहा है और इसी प्रेशर के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉर्मल से एक इन्फ्लामेशन की तरफ दिख रही है और यहाँ पे नॉर्मल से. तो ये किसी एक खास जगह पे ये चीज डेवलप होती है. तो इसे दूर करने के लिए A1 यहाँ पर सप्लाई को हम सेकंड डायलेशन में यूज करेंगे या T5 में यूज करेंगे तो स्पीड स्लो होगी. अगर ए T5 में अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन में हमें सेकंड डायलेशन यूज करना पड़ेगा, जैसे कि T3 से 1:47 के फैक्टर पर हम वैक्सीन बनाएंगे और 1:47 के सेकेंड पार्ट लेंगे जो हमने बता चुके हैं पहले, बता दिया पहले. उसके हिसाब से अब हम वहाँ इसको रिपीट नहीं करें, अगर चाहेंगे तो रिपीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट हम नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम S1 ले रहे हैं. S1 क्यों ले रहे हैं? S1 यहाँ पर किसी भी कॉज जो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है और कंजेशन कहीं पर डेवलप हो रहा सेल्स के अंदर जो बैरिएट कर रहा है, तो S1 मेटाबॉलिक का काम करते हैं. S1 सेल्स के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं और F1 यहाँ पर जो वर्क कर रहा है नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन को सही कर रहा है और WE इनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वेज पे काम कर रहा है, फोर्स को नॉर्मलाइज कर रहा है. A1 और WE मिलकर के यहाँ पर फोर्स को नॉर्मल करेंगे. ठीक, F1 इनके जो नर्वस सिस्टम यहाँ पे जो फेल हो रहा है जिसके वजह से फ्लो बढ़ रहा है उसे मेंटेन करेगा. S1 जैसे कि यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, हेल्दी कैपिलरी स्लो डिलीवरी ऑक्सीजन सराउंडिंग टिश्यूज और ये क्या है, ये हार्ट टू ब्रेन, हार्ट से ब्रेन की तरफ जा रहा और ये कलेक्शन हो रहा सेल्स के अंदर टिश्यूज. उस चीज को बॉडी से रिमूव करना, किसी भी टॉक्सिसिटी को बॉडी से रिमूव करना. तो यहां पर ये हेलो, ये अभी आगे आ रहा है, अभी है इसका हमने ले रखा है. तो अब यहां पे हम देख रहे हैं लोगों की नहीं एनुरिस्म, एवी एनुरिस्म कहते हैं, जैसे कि हम ऊपर जाके हम बता रहे हैं. अक्सर लोगों को देखा होगा, ये देख सकते हैं आप. अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या है? जी हाँ, कैपिलर से ये चीज डेवलप हो रही है. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ NAVM कंफ्यूजन, अगर ब्रेन में कंफ्यूजन, हेडेक दैट आर सेंट्रलाइज इन द हेड, दीज रिसेंबल माइग्रेन्स, माइग्रेन्स भी कॉज होता है इसका, अक्सर माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है.
बट कैन हैपन एनी वेयर ऑन द हेड, कहीं पे भी हेड के अंदर भी हो सकता है. दिस सिम्टम्स इज यूजली अट्रिब्यूटेड टू ब्रेन AVMS, आर्टीरियल वेनस और यहाँ पर मसल्स डेवलप हो गया. ठीक, प्रॉब्लम्स वॉकिंग, टहलने में, घूमने में, चलने में प्रॉब्लम्स आएगी. सिजेरियस डिजीनेसेस और मसल्स वीकनेस, आर नंबरनेस, पैर का लड़काना, मसल्स में लूजनेस, जैसे वीकनेस आ गई तो कहते हैं कि बहुत अजीब सा ट्विचिंग से महसूस हो रही है, चलने फिरने की मन नहीं है, यहाँ पे ये चीज हो रही है. नंबनेस ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी जैसे कहते हैं तो बॉडी हल्की हो गई, कोई वजन नहीं महसूस हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि हम देर तक कहीं बैठ जाते हैं और पैर पे पैर रख करके, तो ऐसी कंडीशन भी हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जैसे पैर सो जाता है, सुन पड़ जाता है तो यहाँ पर, और जब खड़े होते हैं तो बैलेंस नहीं हो पाता, तो वो पोजीशन यहाँ पे होती है. मोस्ट पीपल नेवर शो सिम्टम्स एंड द एवी थिंग्स इन द बॉडी. हाँ आ रही, बोली क्या हुआ? नहीं, एन्यूरिज्म, 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 आर्टीज, आर्टीज और वेन्स. हाँ सेम ऐसे ही है, लेकिन ये कैपिलरीज प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स अलग चीज है, वेन्स के अंदर प्रॉब्लम आती है. ये जो प्रॉब्लम्स है आर्टी और वेन्स के बीच की, आर्टरी और बीच की प्रॉब्लम है यहाँ पर. हाँ क्या करें? नहीं, उसमें थर्ड टाइप वेंस नजर आएंगे और इसमें स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स एवी वेंस. ठीक है, सिजेरियस, हेडेक, पुशिंग साउंड, ब्रूड. अदर साइन, सबटल बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन और थिंकिंग डिस्टरबेंस, लॉस ऑफ बॉडी नेशंस एंड बैलेंस. बॉडी में बैलेंस नहीं रहेगा अगर ब्रेन के अंदर ये चीज हो रही है, और कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो पाएगा, या सोचने में प्रॉब्लम आएगी, या याद आती हुई चीज भूल जाएगी. पैरालिसिस और वीकनेस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी एक बॉडी के हिस्से में जो है पैरालिसिस, या जिसे लकवा भी कहते हैं, हार जाएगा. वीकनेस महसूस होगी और विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लर देख सकता है, और प्रॉपर आईसाइट वीक हो सकती है. एबनॉर्मल सेंसेशन, सेंसेशन बढ़ जा सकता है, ये घट सकता है, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ किसी ने. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी, रेडियल बाईपास, GSF. ये जैसे कि ये सर्जरी के से लिया गया है कि अगर यहाँ पे देखिए ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ये बाईपास कर दिया. लाइटर और रेडियल आर्टरी, ट्रांसपोर्ट बेसिलिक वेन, यहाँ पे वेन डिस्टर्ब है तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिक पेन को लगा दिया. एक्लेड ऑलनर आर्टरीज, ये इफेक्टिव है यहाँ पे आर्टरीज, ये इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक हुआ तो इन साइड से यहाँ से ले करता है. ठीक, नहीं वेन को बाईपास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब उसके बारे में देखना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा वेन्स के बारे में, बाईपास के बारे में
क्योंकि वो सर्जरी का मैटर है। और ठीक है, कल परसों में हम इसका जवाब भी देते हैं। आर्टेरियो वेनस मॉल फॉर्मेशन, एवीएम मॉल फॉर्मेशन कहते हैं एम को, आर्टेरियो वेनस मॉल फॉर्मेशन। इस तरीके से अक्सर पेशेंट देखे जाते हैं। और कब देखे जाते हैं? इंजेक्शन के बाद देखे जाते हैं। कई बार इंजेक्शन वाले पेशेंट होते हैं तो ऐसे इन्फ्लामेशन दिखता है। कई बार ड्रिप चढ़ी होती है पेशेंट्स की और गलत तरीके से आउट हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये कंडीशन दिखती है। यहाँ पर आरटी का आप देख सकते हैं, आरटी इफेक्टिव है यहाँ पर। और ख़ास करके ये चीज़ जो आर्म के अंदर होती है, इंजेक्शंस और ड्रिप की वजह से होती है। आरटी वेन एवीएम, ये वेन है, एवीएम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंजेशन बड़ा हुआ है, ये डेवलप हुआ है। आरटी वेनस मालफॉर्मेशन एवीएम यहाँ पर डेवलप। ब्लड शंटेड अवे फ्रॉम नॉर्मल वेसल्स, और ब्लड यहाँ से आ रहा जा रहा है नॉर्मल वेसल्स से, ठीक देख सकते हैं। बाईपास कम हो रहा है लेकिन कलेक्शन यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसके लिए जो नहीं, ये लिम्फोमा नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे साहब नाम दे रहे हैं, हाँ आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन एवीएम। ये स्लाइड हम कल प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को जी। क्या कर नहीं, सॉफ्ट होता है। कभी आप ड्रिप देखें किसी की आउट हो गई हो तो वहां पर हार्डनेस नहीं होती, सॉफ्टनेस होती है, पल्प टाइप का होता है। टाइप से ये, लेकिन वो खुलने के बाद वो ठीक भी हो जाता है और फिर छोटा सा निशान रह जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू बना रहता है। हाँ जी हाँ, और यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू बना रहता है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ईएच की मेडिसिन में हम ऑपरेट करना चाहें तो अपनी जो हमने फार्मूला दिया है S5C5 A1 कर देंगे A2 की जगह पे, क्योंकि उसे तोड़ना है। और A2 की जगह पे अगर हम A1 भी करते हैं तो भी चलेगा, नहीं तो A3 कर लें, कि दोनों हमारा यहाँ सिस्टम काम कर रहा है ना, आर्टेरियल और वेनस कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्टर्ब है तो वो मेंटेन हो जाएगा। और हम यहाँ पर एक्सटर्नल RE यूज़ करेंगे या W यूज़ करेंगे, WE दोनों पे काम करेगा, सबसाइड कर देगा। RE अगर हम यहाँ देंगे तो फट जाएगा, यहाँ पे ब्रश कर जाएगा। तो पहले हम कुछ दिन उसे WE दे के देखें, क्योंकि जो अभी जो फार्मूला दिया गया है ये BK मिश्रा साहब का है, के बेसर सके मटेरियल का सर। तो ये फार्मूला यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इसको सबसाइड करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि इसको तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। सर्जिकल अगर मुझे काम करना है यहाँ पर तो इसे तोड़ने के लिए दिया जाएगा, हो सकता है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जहाँ तक हो पहले इसको सबसाइड करने की कोशिश करें। अगर सबसाइड हो गया है, नहीं हो पा रहा, तब इसे हम ऑपरेट करने की कोशिश करें। और रियल में ये जो ट्रीटमेंट है एलोपैथ के अंदर सर्जरी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके अलावा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे तोड़ के सही करते हैं, ब्रेस्ट करके तो ठीक करते हैं, या फिर हम इसको सबसाइड कर देते हैं, क्योंकि कंजेशंस को ओपन करने वाली मेडिसिन हमारे पास है। अब जैसे कि ये जो फार्मूला ऊपर जो दिया गया था वो BK मिश्रा साहब की किताब से दिया था, और क्योंकि एक गाइडलाइंस मुझे चाहिए थी, एक गाइडलाइंस के हिसाब से हम उन्हीं की किताब से, अब ये 3 दिन की क्लासेस उन्हीं की किताब से लेंगे, तो डिजीज वहाँ से लेंगे और कुछ जो मेडिसिन उनकी है जो वो हम एक लाइन में लेंगे, लेकिन इसके बाद हम अपना पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब हमारा यहाँ पे यह सोचना है कि यहाँ पर A1 उन्होंने दिया है, हम यहाँ पे A3 दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों इफेक्ट डिफेक्ट नजर आ रहा है,
तो यहाँ पर हम A3 भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम अपने यहाँ पे हम अपना फार्मूला ऐड करें। हम जब से ये फार्मूला ऐड करने लगे तब से क्लासेस में बहुत देर होने लगी, बहुत लंबा खींचने लगा। और यहाँ पे समझने के लिए कर देती है, हाँ हाँ लेकिन लेट बहुत होता है, लेक्चर्स बहुत लंबे खींच जाते हैं, महीने से ऊपर जाने की कंडीशन, जैसे डायबिटीज का है, बहुत लंबा क्लास हो गया है। नहीं तो इसीलिए हमने दो के लिए 2 दिन का रख दिया, बाकी के लिए 3 दिन का कर दिया है, क्योंकि मैंने सभी को करना है। अब इसी को हम डिटेल करना होगा तो ये 2 दिन में, फिर जिसको डिटेल पढ़ना होगा 2 दिन में आ जाएगा। अभी डायबिटीज खत्म करेंगे उसके बाद इसको फिर लेके आएंगे 2 दिन वाले में, तो इसको पूरे रिसर्च बेस पे लेके आएंगे इस चीज को। यहाँ पर हमने S1 दे दिया, अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं A3। क्या ये जो हमारे एनाटॉमिकल स्टडीज के हिसाब से, अब यहाँ पे क्या आएगा F1। नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं, इसको डिसॉल्व करना है और इसे तोड़ना नहीं, तो यहाँ सी ग्रुप की कोई मेडिसिन नहीं आ रही है। अगर ये टूट जाता है तो सी ग्रुप की C5 यूज करेंगे, अगर नहीं टूटता है, ब्रेक नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम इसे सबसाइड करने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम W ही यूज करेंगे, दूसरी कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गई, और फार्मूला यहाँ पे एक्सटर्नल देने की जरूरत है, सभी हो गए, आगे आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हो गए। A1 की जगह पे हमने A3 कर दिया, F1 है, S1, A3, F1 और W, ठीक। उसमें F1 पहले दिया गया है, हाँ इसे तोड़ना हो, किसी चीज को तोड़ना हो तब, सबसाइड करना है तो A3 दे देते हैं, क्योंकि आरटी और वेन्स को दोनों को मुझे एक साथ काम लेना होता है। और अब अगर ब्रेन के अंदर है, हम तोड़ने जाएंगे तो उसके ब्रेन के अंदर तो इंजरी हो जाएगी, तो हमें उसे सबसाइड करना है। कार्डियक के अंदर अगर हम इसे तोड़ देंगे तो आपका अभी जो पहले पिक्चर हमने दिया है यहाँ पे, ये पिक्चर आप तो देख सकते हैं ना, ये तो दिखेगा पेशेंट को, ये तो आपको दिख जाए, हाँ ये तो हाथ हाथ ये ऐसे दिखेगा हाथ में, जी हाँ जी हाँ जी हाँ हो जाती है। तो ये अगर, क्योंकि वो फोर्स से जाता है ना, ड्रिप जब बहुत फोर्स में दी जाती है तो इस कंडीशन में डेवलप हो जाती है कंडीशन, ये कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ अगर नॉर्मल ना हो तब समझ सकते हैं कि ये एक डिजीज डेवलप होती है। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए ड्रिप कहाँ दी जाती है, यहाँ पे दी जाती है, इन्हीं हिस्सों में, यहाँ पे दी जाती है ड्रिप, ड्रिप यहाँ दी जाती है, ट्रिप यहाँ दी जाती, हाँ हाँ जी आप बोलिए। लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, जिसके वजह से आरटी और कैपिलरीज के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ता और वहाँ पे कंजेशन नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा है,
आर्टरी से तो प्रेशर आ रहा है लेकिन कैपिलरीज वहां पे उसे बैरियर कर रही है, रोक दे रही है, ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो वहां पे इन्फ्लामेशन इस टाइप के डेवलप हो जा रहे हैं, ये कंजेशन पैदा हो गया। अब ये जैसे कि मैडम ने कहा कि इस टाइप का जब पोजीशन होती है तो ड्रिप चढ़ाने पे, आपने ड्रिप में देखा होगा, तो ड्रिप में क्यों, क्योंकि फोर्सली वहां पर बहुत तेज जब ड्रिप चढ़ाई जाती है तो ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, या इस टाइप की, ये तो बहुत ज्यादा है, ये इस टाइप की डेवलप हो जाती है, आधे घंटे या दो घंटे के बाद आप देखेंगे ये कंडीशन खत्म हो जाती है, या फिर जो अभी लास्ट कंडीशन है ये ड्रिप आउट हो जाती है तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, या इंजेक्शन की वजह से ये कंडीशन होती है, ये महीने दो महीने के अंदर खुद बहुत खत्म हो जाती है चीज़ें, समझ आया। तो यहाँ क्या हुआ, फ्लूड का कलेक्शन हो गया, और फ्लूड का कलेक्शन कहाँ हुआ, कैपिलरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर, और वेन्स से ड्रेन ना होने की वजह से लोकलरी, जैसे कि यहाँ, क्लियर हो गया। व्हाट इज एन एन्यूरिज्म ऑफ एवी फिस्टुला, ये सिर्फ एवी फिस्टुला भी कहते हैं, एन एन्यूरिज्म इज अ डैमेज टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स वॉल फ्रॉम पैकिंग नीडल्स इनटू ए वेरी स्मॉल एरिया ऑन योर एक्सेस, नीडल्स होती है। इफ देयर इज अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर और स्टेनोसिस, दिस प्रेशर कैन कॉज द फिस्टुला वॉल टू बैलून आउट एज ए किड, यू मे हैव ब्लोन ए बैलून अप फॉर दैट इट ब्रस्ट, ये फट भी जाता है, जैसे बैलून फट जाता है ऐसे ये फट भी सकता है, तो ये अगर ब्रेन में फट गया तो समझिए कि हैमरेज हो गया, कार्डियक हैमरेज भी हो सकता है, तो ऐसे टाइम में अगर पेशेंट बच गया तो उसे पैरालाइज हो जाएगा, अगर ब्रेन के अंदर हुआ, कार्डियक के अंदर हुआ तो बचना मुश्किल होता है, जब तक ऑपरेशन करने के प्रोसीजर्स होते हैं, जब तक उसे समझा जाता है, तब तक पेशेंट चला जाता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेगा, कैसे वो फंक्शंस करेगा, ऐसी कंडीशन ब्लीडिंग इंटरनल, चाहे वो लीवर के अंदर हो, चाहे वो स्प्लीन के अंदर हो, चाहे इंटेस्टाइन के अंदर हो, इंटरनल ब्लीडिंग इंजूरियस है, लाइफ थ्रेटिंग है। ये अभी कुछ साल पहले बात थी, हम कानपुर में थे, एक तो हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट एडमिट था, वहाँ बात कर रहे थे कि कोई जा रहा था रास्ते से और बाइक वाला आया, सडनली सीने पे उसकी हैंडल लग गई, उनके पहचान के थे, और सडनली जब उनके सीने पे, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई और सीधे वो गिर गया और कह रहा सीने में बहुत दर्द हो गया, हॉस्पिटल लोग ले गए, कुछ भी नहीं हो रहा था, और जब तक MRI की गई पता ये चला कि लीवर फट चुका था और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से कोशिश करके भी नहीं बचा सकता। इस टाइप से एक्सीडेंटल कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर इंटेस्टाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेन्स अलग है, आर्टरी अलग, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर ड्रेन बंद क्लोज हो गया, यहाँ से आर्टरी से ब्लड जा रहा है, ये कम्युनिकेट नहीं कर रही है वेन आर्टरी के साथ, जितना ये फ्लो दे रही है उस तरीके से ये फ्लो को आउट नहीं कर रही, क्या है इस बीच कंजेशन कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे किसी वजह से, हो सकता है क्लॉटिंग हो गई किसी चीज, या हो सकता है यहाँ पे गैस फॉर्म हो गई, गैस डेवलप हो गई, बबल एयर आ गई, तो इस तरीके से यहाँ पर कैपिलरीज आपस में इंफ्लामेट करने लगती है, तो ये हुआ एवी। अच्छा इसमें क्या होता है, वेरिकोज वेन में क्या होता है, छोटे छोटे वेसल्स वहां पर
तो उस कंडीशन में ये आपका क्या है, वेरिकोज वेन का होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कार्डियक ट्यूब, एक कार्डियक यहाँ एनुरिस्म डेवलप होता है, आरसीए और फिर आरसीए और ट्रीटमेंट सब जगह पे एक जैसा होगा। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लीडिंग की जगह पे हम बी दे देंगे, अगर पता चल गया है। और पेशेंट आप ऐसा होता कई बार कि आप जब किसी को पता चलता है कि इनके पास कुछ अलग से ट्रीटमेंट है, तो जब उन्हें क्लियर हो जाता है कि ब्रेन हैमरेज हो गया है या फिर ब्लीडिंग इंटरनल शुरू है, तो वो अदर साइड पर तलाश करना शुरू करते हैं कि ब्लीडिंग को इंटरनल कैसे रोका जा सकता है। ऐसे तो एलोपैथ में जो इंजेक्शन आता है, विटामिन के का इंजेक्शन आता है, विटामिन के देकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है किसी वजह से, तो हम बी देंगे तो आर्टीरियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। और क्योंकि MRI जब होती है या सिटी स्कैन होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि आर्टीरियल फ्रैक्चर है या वेनस है। अगर वेनस रैप्चर है तो हम जी देंगे, अगर आर्टेरियल रैप्चर है तो हम बी देंगे। जिस चीज को माइंड में रखिए हमेशा, ठीक, जी जी किस पे देंगे, और आर्टेरियल पे, ठीक। और अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, एनुरिस्म, एंड एनुरिस्म इज अ डिस्टेंशन ऑफ आर्टरी गॉट बाई ए ब्रीथिंग डिस्ट्रेक्शन ऑफ आर्टीरियल वॉल। यहाँ पे क्लियर हो रहा है डिस्ट्रेक्शन ऑफ द आर्टीरियल वॉल। Breach in the wall, the sac made up from the compressed surrounding tissues through ये फॉल्स वाली क्या है कि आई है और चली जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी होता है, through dilations involving all layers of the wall। डायलेशन हो गया हॉल एयर, और कहाँ पे हो गया, लेयर वॉल में, आर्टरी के। तो आर्टरी के अगर डायलेशन हो गया वाल के अंदर तो फ्लो तो तेज जाएगा कैपिलरीज के अंदर। अब वेन्स तो अपने तरीके से काम करेगी, यहाँ पे फ्लो बढ़ रहा है तो फ्लो बढ़ने के लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पे वो डॉक्टर बिल्कुल मिश्रा साहब ने इस चीज़ को नहीं दिया, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी चीज को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए वाल को S5 यहाँ पर अलग से S5 हम दे सकते हैं जो वॉल पे पूरा कॉन्स्ट्रेक्ट और रिलैक्सेशन पे काम करेगा, S5 F1 के साथ। लेकिन क्योंकि वहां पे S1 दी जा रही है, अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम यहां दे सकते हैं, वरना फिर उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, ओके। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक चीज आ रही है, डायलेशन ऑफ इन्वॉल्विंग ऑफ लेयर ऑफ द वॉल डायलेट कर गई है, तो एस अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर्स आते हैं, रिसेप्टर्स जो वॉल से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी के मिश्रा साहब ने क्या किया है, S1 का यूज किया है रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए। आज आपने ग्रुप में देखा होगा, हमने कुछ स्लाइड डाल रखी थी, इमेजेस के अंदर हमने समझाने की कोशिश की है कि ग्लूकोज किस तरीके से बैरियर होता है और रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स किस तरीके से इंसुलिन को तो यहां पर वॉल, यहां पे वॉल वॉल फेल हो गए हैं, वॉल डायलेट कर दिए, तो इसे कॉन्स्ट्रक्ट करने की, हाँ यहाँ पर F1 और W मिलकर इसे कॉन्स्ट्रक्ट कर देंगे, क्लियर हो गया।
और अगर नहीं हो रहा है तो हम अलग से S5 अलग से दे देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनरिज, टाइप्स ऑफ एनरिज, एरोटिक एनरिज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोटिक एनरिज, एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज, ये एब्डोमिनल एरोटिक आर्टिक एनरिज एंड थोरेसिक आर्टिक एनरिज। ये आप एब्डोमिनल कैसे देखेंगे, जिस तरीके से अभी हमने पहली स्लाइड दिखाई, क्योंकि ये आज ही हमने प्रोग्राम तैयार किया, इसलिए एब्डोमिनल आर्टिक को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। कल हम इस चीज़ को दिखा देंगे किस तरीके से एब्डोमिनल आर्टिक डेवलप करते हैं, एनरिज्म होता है, क्योंकि हमारे लेक्चर्स इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि एक एक पॉइंट्स को हम वहाँ पे टेकअप करने लगते हैं। थोड़े से आर्टिक, ये एक स्लाइड आ जाएगी तो यहाँ पे दो स्लाइड आ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हैंड्स के अंदर, आर्म्स के अंदर अभी आपने देखा किस तरीके से आर्टिक एनालिसिस डेवलप किया है, वैसे इसी तरीके से एब्डोमिनल में दिखेगा। थोड़े से में आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट्स को या ओल्ड एज के लोगों को इस तरीके से मोटी मोटी जो कैपिलरी आर्टरीज हैं वहाँ पे दिखती हैं, पेट के ऊपर, एब्डोमिन के ऊपर और सीने के ऊपर, थोड़े से, ठीक है। सेरेब्रल एनालिसिस, ये हम देख नहीं सकते अपने विजन से, ये ज़्यादातर मुझे पता चलेगा MRI या CT स्कैन से। अदर पेरिफेरल एनालिसिस, ये भी पैर के अंदर होगी वो दी जाएगी, एक्सटर्नल कहीं पे होगी दी जाएगी, इंटरनल होगी ये देख सकते हैं। अब ये कहाँ पे डेवलप हुआ, एब्डोमिनल आर्टिक एनालिसिस, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। थोड़ा सा ये अगर एक्सटर्नल में हुई तो दिख गई, वरना फिर अगर इंटरनल हुई तो नहीं हुई, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, जल्दी थकान रहेगी और लंबनेस रहेगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी और यहाँ पे लाउडनेस होगी, चाहे वो चेस्ट के अंदर हो या फिर किडनी के कमर के अंदर, बैक साइड पे एब्डोमिन। एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म AAA, एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म मीन्स AAA, मोस्ट एरोटिक एनरिज्म AAS, एरोटिक थोरेसिक एरोटिक एनरिज्म एन एनरिज्म। अब यहाँ पे ट्रिपल एस की वजह से एस यहाँ पे ऐड कर दिया है कि मोर एनरिज्म, थोरेसिक एरोटिक एनरिज्म एन एनरिज्म that occur in the chest portions of the orator above the diaphragm is called thoracic arteries aneurysm TAA। ये कभी आप रिपोर्ट के अंदर MRI के अंदर देख सकते हैं या CT स्कैन। ब्रेन aneurysm, aneurysm इन द arteries ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड cerebral aneurysm और ब्रेन aneurysm। सेरेब्रल एनालिसिस और ब्रेन एनालिसिस से रिपोर्ट तैयार होगी। ब्रेन एनालिसिस आल्सो आर कॉल्ड पेरी एनालिसिस बिकॉज देयर आर ऑफ्टन द साइज ऑफ ए स्मॉल बेरी, बीस बैर जो आती है बहुत जिसे कहते हैं पिलपिली सी, और जब थोड़ी सर्दियों के अंदर आती है जब हम खाते हैं तो गला भी बहुत ज़्यादा पकड़ता, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी भी बहुत होती है, तो उस टाइप से ये डेवलप होगा। पेरिफेरल एनरिज्म, एनरिज्म इज एनरिज्म दैट अकर्स इन आर्टरीज अदर देन द ओर्टा एंड द ब्रेन आर्टरीज आर कॉल्ड पेरिफेरल एनरिज्म। कॉमन लोकेशंस ऑफ पेरिफेरल एनरिज्म इंक्लूड पोपेलिटल, फेमोरल एंड कार्टाइड आर्टरीज। कॉज एब्डोमिनल आर्टिक एनरिज्म कॉज आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, वैस्कुलाइटिस, इन्फेक्शन इन द aorta, कॉर्निया यूज, जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरा कॉज है
Because most aneurysms are caused by degenerative disease affecting the vessels, atherosclerosis, structural weakness, hemodynamic forces means वही blood का ज्यादा flow कर जाना उससे, damage to and loss intima, reduction in the elastin and collagen content in the media, collagen tensile strength adventitia, elastin recalling capacity media, जैसे कि elasticity उसकी fail हो गई है उसके वजह से हो जाएगा, collections of fluids वहाँ पर हो रहा है लेकिन आगे उसे drain करने की capacity वहाँ पे loss हो गई है उस वजह से भी हो जाएगा, या recollections जगह पे हो रहा है collections out नहीं हो रहा उस वजह से होगा कि एक पैसेज ऐसा बन जाता है कि वहाँ पे कलेक्शन ही ज़्यादा बढ़ने लगता है किसी वजह से डायलेट कर गई है कैपिटल तो कलेक्शन ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पे फ्लो आने की वजह से वेंस उसे ट्रेन नहीं करी उस वजह से भी हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे स्मोकिंग हाइपरटेंशन एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की वजह से कॉज होता है इसका। थोरेसिक आर्टिक कॉजेस अबाउट इन अ पोर आर्टिक एनोरेक्सिया अकर्स इन द थोरेसिक एरिया ऑफ द aorta हायर अप इन द चेस्ट कॉज आर द सेम एज द aortic aneurysm प्लस द फॉलोइंग below Marfan syndrome दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इट इज अ मच लेस कॉमन कॉज ऑफ aortic aneurysm previously artery injury or traumatic injury caused by the vehicle's accident are bad fall ये गलत तरीके से गिर जाना bad fall accident किसी भी vehicle का accident या जाते हुए किसी भी आपको ठोकर मार दी नहीं लेग्स 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 पे होती है जनरली लेग्स पे होती है जहाँ पर